स्टोरी विथ अरुण पर आप लोग सुन रहे हैं वेद प्रकाश शर्मा की लिखी विजय विकास सीरीज की उपन्यास पाक साफ। लीजिए आज आप लोग सुनिए इस नॉवेल की 7वीं एपिसोड आरजे अरुण के साथ। सीक्रेट सर्विस का चीफ बोल रहा हूँ, विजय के हलक से ब्लैक बॉय की आवाज़ निकल रही थी। इसी वक्त विदेश मंत्री महोदय से बात कराओ। जस्ट मिनट सर, दूसरी तरफ से केवल इतना ही कहा गया और फिर लाइन पर राष्ट्रीय धुन गूंजने लगी। अपने रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा ब्लैक बॉय बेचैन नजर आ रहा था। जब ये बात उसकी समझ में आई कि दूसरी तरफ से होल्ड कराया गया है तो बोला, मेरी समझ में नहीं आ रहा सर, आप करना क्या चाहते हैं, क्या बातें करेंगे विदेश मंत्री से? कान और आँखें हैं ना तुम्हारे पास? जी, देखते रहो और सुनते रहो, दूसरी तरफ से स्वर उभरा। सर, विजय पहचान गया कि आवाज़ वर्तमान विदेश मंत्री जी की थी। बोला, चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस सर, मेरी गुजारिश है कि आप बगैर जरा भी समय गंवाए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए, पूरा मीडिया होना चाहिए उसमें, प्रिंट मीडिया भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, देसी पत्रकार हो या ना हो मगर विदेशी पत्रकार जरूर होने चाहिए, हर देश के सारे संसार के पत्रकार। मिस्टर चीफ, इस वक्त हम विमान अपहरण कांड में उलझे हुए हैं, उसी संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात कर रहा हूँ सर। उसी संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको कहना है, बल्कि पाकिस्तान को मैसेज देना है कि विमान अपहरण करके वालों में से एक जिसका नाम सबीर शाह है असल में वो विकास है। क्या ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चीफ? इधर विजय की बात सुनकर ब्लैक वाई भी बुरी तरह चौंका था। कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उसे शांत रहने का इशारा करते विजय ने फोन पर कहा, वो कह रहा हूँ सर जो आपने सुना, पर क्या ये सच है? क्या मैं आपको गलत बयानी की सलाह दे सकता हूँ? लेकिन इस तरह तो विकास की जान खतरे में सर। उसकी बात काट कर विजय कड़े लहजे में कहता चला गया, किसी भी शख्स की जान मुल्क की आन से बड़ी नहीं हो सकती, अंजाम चाहे जो हो, मगर आपके मुंह से सारे संसार को ये मैसेज जाना चाहिए कि विकास जो भी कर रहा है पाकिस्तानी स्तर पर कर रहा है, भारत नहीं करा रहा, मुल्क का सहयोग हासिल नहीं है उसे, बल्कि हिंदुस्तान तो उसे रोकने की भरपूर कोशिश कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्हीं प्रयासों में से एक है। समय रहते हमारे ही द्वारा पाकिस्तान को ये सूचना दी जा रही है कि असीर विकास है, सबीर शाह असल में विकास है, ये मुल्क उसके किसी भी कृत्य का जिम्मेदार नहीं है, पाकिस्तान उसके साथ चाहे जिस तरह पेश आए हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, अगर वो मर भी जाता है तो लाश हिंदुस्तान भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ खामोशी छा गई, खामोशी जैसी एक वक्त ब्लैक बॉय के दिलो दिमाग पर ही ऐसी एक खामोशी छाई थी। सर, विजय ने पूछा, आप लाइन पर हैं ना? हाँ चीफ, मैं तो लाइन पर ही हूँ, मगर आपने ठीक से सोच लिया है ना, वही सब कहना है, इससे भी ज़्यादा जो आप कह सके। विजय एक एक लफ्ज पर जोर देता कहता चला गया, मिशन हमारा एक ही है, संसार को ये मैसेज देना कि मुल्क विकास के हर कृत्य के खिलाफ है। हल्के से गैप के बाद कहा गया, ओके, थैंक यू सर। कहने के साथ विजय ने संबंध विच्छेद कर दिया। ये आप क्या कर रहे हैं सर? मौका मिलते ही ब्लैक बॉय ने कहा, क्या आप सचमुच विकास की मौत चाहते हैं? हर भारतीय को उसकी मौत चाहनी चाहिए जो मुल्क की आन बान और शान पर कलंक का धब्बा बन जाए। सख्त लहजे में कहने के बाद विजय अपनी सदाबहार टोन में लौट आया और फिर दिमाग का इस्तेमाल करो काले लड़के, ऐसी कौन सी न्यूज फ्लैश कर दी हमने जिससे दिल जले पर कोई ऐसा खतरा मंडरा उठेगा जो पहले से ही न मंडरा रहा हो? गौर करो, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अजमुसान जासूस नुसरत तुगलक को पहले ही से मालूम है कि सबीर शाह के रूप में उसकी धरती पर विकास कदम रखने जा रहा है। उसने कौन सी नई बात बता दी उन्हें? हाँ, संसार को ये मैसेज दे डाला कि
कि विकास की हरकतों का जिम्मेदार भारत नहीं है, जो कि सच भी है मेरे ख्याल से। तो हाँ हाँ, उगलो, अपना ख्याल भी उगलो। किसी तरह विकास को आगाह किया जाना चाहिए कि नुसरत तुगलक को उसके विकास होने की जानकारी है। यानी मदद करना चाहते हो दिल जले की? क्यों, हमें नहीं करनी चाहिए सर? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, सपाट लहजे में विजय कहता चला गया। तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो काले लड़के, क्योंकि तुम्हें इस वक्त विकास नज़र आ रहा है, पर्सनल रिलेशन नज़र आ रहे हैं, जबकि नज़र भारतीय हित आने चाहिए। अगर हमारी किसी भी हरकत से ये मैसेज चला गया कि हमने दिल जले को कोई मदद पहुंचाई है, तो बद पिट जाएगी मुल्क की, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, हालात इतने उलझ गए हैं कि समझने की कोशिश बाद में करना प्यारे, फिलहाल हमारी पाकिस्तान यात्रा की तैयारी करो। आप पाकिस्तान जा रहे हैं? खुलेआम नहीं, खुफिया तरीके से। मगर क्यों, आप वहाँ जाकर क्या करेंगे? जब अपना दिल जला वहाँ पहुँच चुका है, तो हम यही क्या कर रहे हैं? कहने के साथ विजय उठकर खड़ा हो गया था। आज तक टीवी चैनल पर विमान को कराची एयरपोर्ट पर लैंड करते दिखाया गया है, आज तक पर ही क्यों, विश्व के हर सैटेलाइट चैनल पर इस दृश्य का लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। जिक्र आज तक से इसलिए शुरू किया क्योंकि अशरफ और आशा वो वहीं देख रहे थे। विमान के लैंड करते ही आशा के मुंह से निकला, हे भगवान, ये क्या कर रहा है ये बेवकूफ़ लड़का? उसे तो मालूम है कि वहाँ उसका स्वागत नुसरत तुगलक करने वाले हैं, फिर क्यों उसने वहीं लैंड किया? क्यों नहीं हमसे किए गए अपने वादे के मुताबिक पाकिस्तान के किसी और शहर में उतारा? उनकी है साला बेवकूफ़ गधा सनकी है, रोज़ भरे स्वर में अशरफ ने कहा। मैं समझ सकता हूँ उसके सीधे सिर पर सीधे सीधे नुसरत तुगलक से टकराने की धुन सवार हो गई है, मगर अशरफ, अब तो हमारी गवर्नमेंट की बेवकूफ़ी के कारण सारी दुनिया को मालूम है कि सबीर सा विकास है, ऐसे में विमान के अंदर विकास की स्थिति क्या होगी? तुम भूल रही हो, ये बात सारे संसार को भले ही मालूम हो, मगर विमान के अंदर मौजूद लोगों को मालूम नहीं है। सनवर, लियाकत और असगर अभी भी उसे सबीर सा ही समझ रहे होंगे, इसलिए विमान की स्थिति में कोई खास चेंज नहीं आया होगा। उधर विकास को भी मालूम नहीं है कि जो बात कल तक केवल नुसरत तुगलक जानते थे, उसे आज सारी दुनिया जानती है, अर्थात उसका ट्रीटमेंट भी अलकायदा के आतंकवादी जैसा ही होगा। पर अशरफ, अब होगा क्या? जो भी होगा उसे टीवी के पर्दे पर देखने से ज़्यादा और हम कर भी क्या सकते हैं? कहने के साथ साथ नज़रें स्क्रीन पर जम गई। वहाँ रहा विमान का दरवाज़ा खुलता नजर आ रहा था और कमरे में गूंज रही थी रजनी शर्मा की आवाज़, आप देख रहे हैं विकास पाकिस्तान की धरती पर पहुंच चुका है। 24 घंटे गुजर चुके थे, अवहरित विमान कराची हवाई अड्डे के अंतर्राष्ट्रीय रनवे पर खड़ा था। संसार भर के न्यूज चैनल के कैमरे वहां के दृश्य को टीवी के पर्दे पर जारी कर रहे थे। हालांकि नुसरत तुगलक अभी तक कहीं नज़र नहीं आए थे, मगर पाकिस्तानी आर्मी की अनेक गाड़ियों ने विमान को चारों तरफ से घेर रखा था, परंतु एक निश्चित सीमा से आगे विमान की तरफ बढ़ने की कोशिश किसी ने नहीं की थी। कि भी कैसे जाती, विमान के अंदर से गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी जो दे दी गई थी। विकास आदि की तरफ से मांगे भी पेश की जा चुकी थी, दुनिया भर के अखबारों ने उन मांगों को छाप भी दिया था। यूं तो सबीर शाह की तरफ से 10 मांगी की गई थी, मगर उनमें प्रमुख थी भारत की जेलों में बंद सभी आतंकवादियों को रिहा किया जाए, कश्मीर को आज़ाद किया जाए और कराची आकर भारत के प्रधानमंत्री स्वयं उनसे बातें करें। विश्व जनमत का कहना था विकास की तरफ से ऐसी मांगे इसीलिए रखी जा रही है क्योंकि उसे अभी तक ये नहीं मालूम है कि संसार उसके विकास होने का रहस्य जान चुका है। वो अभी भी खुद को सबीर शाह नाम का आतंकवादी ही साबित करना चाहता है, जबकि वास्तव में उसका इस मांगों से कोई संबंध नहीं है। असल में तो मौका लगते ही परवेज मुशर्रफ तक पहुंचना चाहता है। दुनिया की निगाह में पाकिस्तान विमान को आतंकवादियों के कब्जे से मुक्त कराने की पुरजोर कोशिश कर रहा था, मगर अभी तक उसे सफलता नहीं मिली थी। विमान के अंदर हाहाकार मचा हुआ था, लोग भूख, गर्मी, आतंक और अनिश्चय की स्थिति से त्रस्त थे। विमान के किचन में खाने के लिए कुछ नहीं था, बच्चे दूध के लिए रो रहे थे,
एयर कंडीशन केवल एक घंटा पहले ठप हुआ था और उस समय के बाद से स्थिति कुछ ज़्यादा ही भयानक हो गई थी। विमान के अंदर बेइंतहा गर्मी थी, सांसों की ज़बरदस्त उमस। हालत ये हो गई कि विमान सनवर, लियाकत, विकास, असगर और अर्गल के लिए भी अब विमान में रहना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे उमस घुटन में तब्दील होती जा रही थी। असगर आदि को ये भले ही मालूम था कि पाकिस्तान सरकार उनकी दुश्मन नहीं है, मगर किस तरह मदद करेगी इस बारे में उन्हें कोई इल्म नहीं था। जब विकास को ये लगा कि अगर एयर कंडीशन ठीक न कराया गया तो यात्री घुटन से त्रस्त होकर हथियारों की परवाह किए बिना उस पर झपट पड़ेंगे, मारने पर आमादा हो जाएंगे, तब वो कॉकपिट में पहुंचा। कराची एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से संबंध स्थापित करके बोला, हमारी मांगे मानी जा रही है या हम यात्रियों को मारना शुरू कर दें। हमने भारत की सरकार से संबंध स्थापित किया हुआ है, दूसरी तरफ से कहा गया। उधर से भी कोई जवाब नहीं आया है। विकास विषय चेंज करके मतलब की बात पर आया, विमान का एयर कंडीशन ठप है, इसे ठीक करने की व्यवस्था करो। व्यवस्था तो हम कर देंगे मगर आपको फिर आपत्ति होगी। क्या मतलब? एयर कंडीशन को ठीक करने के लिए जरूरी है कि हम टेक्नीशियंस को विमान के अंदर भेजें और ये काम आपको मंजूर नहीं है। इस बारे में उस वक्त भी बात हो चुकी है जब आपने कहा था कि यात्री भूखे और किचन में खाने के लिए कुछ नहीं है। हमने खाना भेजने की पेशकश की थी जिसे आपने ये कहकर ठुकरा दिया था कि खाना लाने वालों के बहाने हम विमान में कमांडोज भेज सकते हैं, मगर एयर कंडीशन फौरन ठीक होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप सहमत हो तो हम टेक्नीशियन भेज सकते हैं। कुछ देर सोचने के बाद विकास ने कहा, भेज दो मगर सुनो, बोलिए, अगर उनके बहाने तुमने सचमुच कमांडो भेजे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस बात को सुनने के बाद दूसरी तरफ कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। फिर पूछा गया, पायलट और सहायक पायलट कहाँ है? यात्री कक्ष में, मेरे साथियों की गिरफ्त में। कॉकपिट में और कौन है? कोई भी नहीं। पुनः एक पल की चुप्पी के बाद कहा गया, तो फिर ये बगैर सिर पैर की बातें क्यों कर रहे हो? क्या मतलब? विकास ने चौंकने का अभिनय किया, तुम जानते हो कि हम तुम्हारे मददगार हैं। सो तो ठीक है, विकास ने कहा, मगर मुझे क्या मालूम है कि मैं आपसे खुलकर बात कर सकता हूँ या नहीं। और इधर से हम ये सोचकर उस किस्म की बातें कर रहे थे कि पायलट और सहायक पायलट भी हमारी वार्ता सुन रहे होंगे। अब विकास ने खुलकर कहा, सच्चाई ये है, ज़्यादा देर तक हम यात्रियों को धौस में नहीं रख सकते। लोगों के दम घुटने लगे हैं, अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो यात्री मौत की परवाह छोड़कर हम पर ही झपट पड़ेंगे। हमारी राय भी यही है कि अब जल्दी से जल्दी इस ड्रामे को ख़त्म किया जाए। हमने मिशन को खूबसूरत अंदाज में अंजाम देने के लिए हमारी मुलाकात मुबारकबाद कबूल करो सबवीर साहब, थैंक यू, हमें तुम्हारी मदद करनी है, कहा गया। मगर इस तरह कि एक भी यात्री विमान कर्मचारी भाप न सके कि मदद की गई है। उन्हें यही नज़र आना चाहिए कि पाकिस्तान सरकार ने पूरी ईमानदारी और तत्परतापूर्वक तुम लोगों के कब्जे से विमान मुक्त कराया है। ऐसा कैसे होगा? जवाब में दूसरी तरफ से विकास को पूरी योजना समझाई जाने लगी। उस वक्त यात्रियों ने राहत की सांस ली जब विकास ने घोषणा की कि एयर कंडीशन ठीक करने के लिए विमान में टेक्नीशियन आने वाले हैं। सनवर, लियाकत और असगर और अर्गल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो बोला, पाकिस्तान सरकार बड़ी झूठी और धोखेबाज है, टेक्नीशियंस के बहाने वो कमांडोज को भेज सकती है। अब हम लोगों को पूरी तरह सावधान रहना है, अगर उनमें से कोई भी जरा भी चलाकी दिखाने की कोशिश करे तो उसे फौरन गोली मार दी जाए। चारों चुप रहे। फिर करीब 30 मिनट बाद टेक्नीशियन का लिबास बने चार युवक विमान के अंदर आए। उनमें से एक के हाथ में सूटकेस था। विमान में कदम रखते ही विकास ने उसके हाथ से सूटकेस छीन लिया, गुर्राया, क्या है इसमें? वो औजार जिनकी जरूरत पड़ेगी, युवक ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। हाथ ऊपर उठा लो, विकास ने कहा। चारों ने आदेश का पालन किया। विकास ने अपने साथियों से कहा, इन्हें निशाने पर रखना, अगर कोई भी जरा भी हरकत करे तो गोली चलाने में हिचकना नहीं। असगर और सनवर ने स्वीकृति में गर्दन ही लाई। विकास उन चारों से एक कदम पीछे हट गया, सूटकेस खोलकर चेक किया। इतना ही नहीं, चारों की जेबों की तलाशी भी ली उसने। तब कहीं जाकर संतुष्ट होने के बाद बोला, ठीक है, तुम अपना काम कर सकते हो, मगर याद रहे, एयर कंडीशन के अलावा इधर उधर ध्यान देते ही तुम्हें सूट कर दिया जाएगा।
उनमें से एक ने कहा, सबसे पहले हमें यात्री कक्ष में फैले एयर कंडीशन के तार चेक करने होंगे, मुमकिन है कहीं से टूट गया हो। करो। इस तरह काम शुरू हो गया। चारों अलग अलग यात्री कक्ष में फैलकर तार चेक करने लगे। 10 मिनट गुजर गए, वो 11वां मिनट था जब एक स्थिति ऐसी आई कि एक टेक्नीशियन विकास के नज़दीक था, दूसरा असगर के, तीसरा सनवर के और चौथा लियाकत के। फिर चारों ने एक साथ इस तरह हरकत की जैसे एक ही स्विच से ऑन होने वाले बल्ब हो। झपट कर उन्होंने अपने अपने शिकार को दबोच लिया। अकेला अर्गल ऐसा था जिस पर कोई आफत नहीं आई थी। जब उसने देखा कि सबीर, असगर, सनवर और लियाकत को एक साथ पंगु बना दिया गया, तो उसने हड़बड़ाहट में गोली चला दी। गोली असगर के भेजे में लगी। उधर असगर के हलक से चीख निकली। इधर लियाकत पर झपटने वाले कमांडोज ने उसकी गन छीनकर अर्गल पर गोली चला दी। एक चीख के साथ वो भी असगर की तरह ठंडा पड़ गया। सनवर ने हरकत करनी चाही थी, मगर तभी नज़दीक की सीट पर बैठे दो युवकों ने झपट कर उसे दबोच लिया। विमान में विकास को जकड़े कमांडो की आवाज़ गूंजी, अब छटपटाना बेकार है सबीर साहब, ज़्यादा हाथ पैर चलाए तो तुम तीनों भी अपने दो साथियों की तरह मौत के घाट उतार दिए जाओगे। विमान पर अब हमारा कब्जा खो चुका है। विकास अंदर ही अंदर मुस्कुरा कर रह गया। क्रोधित यात्री उन तीनों पर टूट पड़े। अकेली डूना ऐसी थी जिसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे ऐसा कोई भी हरकत न करने का हुक्म हुआ था जिससे उनकी मददगार साबित हो। वैसे भी सबीर साहब, सनवर और लियाकत की अब कोई मदद नहीं की जा सकती थी। नुसरत भैया, हाँ तुगलक बहन, क्या नाराज है और क्या नाराज नजारा है। वाकई आंखें तर हो गई। दोनों की आंखें एक टीवी स्क्रीन पर जमी हुई थी, पर हम इस नज़ारे को देख कैसे सकते हैं। सकते हैं का क्या मतलब, देख रहे हैं मगर कैसे। तुगलक ने कहा, एक ही स्क्रीन पर हम ये चार चार दृश्य कैसे नजर आ रहे हैं। तुम शायद भूल गए तुगलक बहन, चीफ साहब ने पहले ही कहा था, टेक्नीशियन के रूप में जो चार कमांडोज विमान के अंदर भेजे गए हैं, उन सब के लिबास का एक एक बटन, असल में बटन नहीं, कैमरा है। चारों कैमरे अलग अलग दृश्य पेश कर रहे हैं और हम उन चारों ही दृश्यों को एक साथ एक ही स्क्रीन पर देख सकते हैं, बल्कि देख रहे हैं। वो देख, छटंकी को दबोचा जा चुका है। छटंकी वे विकास को कहते थे, यानी नुसरत अली और तुगलक खान, दो जिस्म एक जान, पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस के नमूने, बातों से नमूने, हरकतों से नमूने, मगर बेहद खतरनाक। कई मामलों में तो वे विजय और विकास जैसे धुरंधरों से भी मिलो आगे थे। बेहद पतले, 6 फुटे, पतले होने कारण कुछ ज़्यादा ही लंबे लगते थे। अजीब परंपरागत लिबास था उनका। दोनों हमेशा एक जैसे लिबास में रहते, नील टिनाम्पाल और कलफ लगे वेल प्रेस सफ़ेद चूड़ीदार पजामे, घुटनों तक लंबे बंद गले के काले कोट, गर्दन तक कोट के सभी बटन बंद, पैरों में जूतियां जिन पर हुए नकली काम के सितारे झिलमिलाया करते थे, जूती बेहद नुकीली ऐसी कि जब चलते तो नर चर चर बोला करती, सिर पर तिरछी रखी हुई काली टोपियां, दोनों के मुंह में पान की गिलेरिया रहती थी, होठ सुर्ख, कुल मिलाकर वे जादूगर कम और शायर ज़्यादा लगते थे। और बातों तो आप उनकी सुनना शुरू कर ही चुके हों। हर वक्त वे एक कंट्रोल रूम जैसा कक्ष में बैठे थे। वो कंट्रोल रूम कराची एयरपोर्ट से करीब 10 किलोमीटर दूर था। वे अगल बगल पड़ी दो कुर्सियों पर बैठे थे। बैठे क्या थे, पसरे पड़े थे कुर्सियों पर, पैर सामने पड़ी मेज के ऊपर, नज़रें एक स्टैंड पर लगे टीवी पर। स्क्रीन पर विमान के अंदर के छोटे छोटे चार दृश्य नज़र आ रहे थे। कक्ष में उनके अलावा एक शख्स और था। वो था ISI का चीफ। उनकी बातों का मजा ले रहा था। वो जानता था अगर वो बीच में बोला तो वे उसी को लपेट लेंगे, अतः चुपचाप उस दृश्य को देख रहा था जिसे वो भी देख रहे थे। कैसा छटपटा रहा है साला, जैसे सचमुच कमांडो की पकड़ से निकलना चाहता हो, जबकि चाहता ये है कि कमांडो उसे पकड़े रहे। ये जो समझ रहा है कि पाकिस्तान का दामाद है, सरकार उससे मिली हुई है, हमसे मिलेगा तो भारत मिलाप भूल जाएगा,
बेचारा सोच रहा है पाकिस्तान सरकार उसे अभी सबीर शाही समझ रही है, इसलिए तो खुद को इतनी आसानी से कमांडोज के हवाले कर दिया, वरना उछल कूद जरूर मचाता। जी चाह रहा है साले को पेट से टपके अमरूद की तरह कच्चा चबा जाओ। हमारे जनरल का मुंह थपेड़ने निकला था, मिलेगा उसे कच्चा चबा जाने का मौका भी मिलेगा और सूप बनाकर पी जाने का मौका भी मिलेगा। तसल्ली पकड़, अपनी कामयाबी पर थोड़ा फुदक तो लेने दे उसे। वाह क्या सिचुएशन है, वो समझ रहा है सवीर शाह बनकर वो इस पाक मुल्क में आ गया है, यहाँ की सरकार उसे लियाकत और सनवर की तरह अलकायदा का लड़ाका समझ रही है। दो चार दिन सरकारी दामाद बनकर रहेगा, फिर मौका लगते ही जनरल साहब की कनपट्टी गर्म करके निकल पड़ेगा। ऊंट पहाड़ के नीचे तो तब आएगा जब पट्टे के सामने हम प्रकट होंगे, उसे बताएंगे हम न केवल वो जानते हैं कि तू छटंकी है, बल्कि तू यहाँ खुद नहीं आया, बल्कि हमने अपनी कोरियर सर्विस द्वारा तुझे यहाँ बुलवाया है। नुसरत भैया, मेरा सारा शरीर ये सोच सोच कर फटफड़ा रहा है कि जब हम उसे ये सब बता रहे होंगे तो उसके चेहरे की दोनों सुइयां किस तरह कभी 12 बजा रही होगी, कभी 10:30। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा तुमने मुझे रोक क्यों रखा है, कूद कर पहुँचने क्यों नहीं दे रहे उसके सामने, ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। काफ़ी देर से खामोश ISI के चीफ ने कहा, कौन सी बात, एक ही आप हम लोगों को सामने क्यों नहीं आ जाना चाहिए, भले ही विकास न जानता हो कि हमें उसके विकास होने की जानकारी है, मगर सारी दुनिया तो जानती ही है, विमान के बाहर का हर शख्स जानता है कि जानकारी हमें खुद हिंदुस्तान ने दी है। इन हालात में इस जानकारी को उसी से छुपाए रखने का क्या फ़ायदा है। फ़ायदा केवल वही है जो अभी अभी तुगलक बहा ने कहा, हम उसके थोबड़े पर कभी 12 कभी 10:30 बजते देखना चाहते हैं, और वो तभी होगा जब हकीकत का पता उसे अचानक हमारे सामने आने पर लगेगा। इसलिए बार बार फरमा रहे हैं उन्हें कड़े सुरक्षा घेरे में विमान से वहाँ तक पहुँचाया जाए जहाँ पहुँचाने का निश्चय हुआ है। एयरपोर्ट पर सारी दुनिया का मीडिया मौजूद है, हर मुल्क के TV पर लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, लोग केवल ये देखे कि उन्हें एयरपोर्ट से किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया, कोई भी पत्रकार या कोई भी व्यक्ति उनसे कोई बात न कर सके, अर्थात छटंकी को किसी भी तरह पता नहीं लगना चाहिए कि दुनिया को उसके छटंकी होने का पता लग गया है। अंदर खाने उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा का आश्वासन उन्हें सुप्रीमो ने दिया था, यानी उन्हें महसूस होना चाहिए कि वे पाकिस्तान सरकार के दामाद है। हर कदम पर वैसा ही होगा जैसा आप चाहते, तो दृश्य फ्रीज क्यों कर दिया। एयरपोर्ट पर अपने प्यादों को हुक्म दो कि उन्हें विमान से निकाल कर एयरपोर्ट पर और एयरपोर्ट से निकाल कर वहाँ पहुँचाया जाए जहाँ 12:30 बजाने हैं। कोई भी जवाब नीचे तलब उसके आसपास ना फटक सके, चीफ ने एक माइक्रोफोन पर निर्देश जारी करने शुरू कर दिए। सारे ऑपरेशन को ठीक उसी तरह अंजाम दिया गया जिस तरह नुसरत तुगलक चाहते थे। तीनों के हाथ पीठ की तरफ करके हथकड़ियों में जकड़ लिए गए, विमान से बाहर लाए गए और इसी के साथ उन्हें सारे विश्व में देखा जाने लगा। दुनिया भर के TV कमरे की आंखें वहां के दृश्य को लाइव टेलीकास्ट अपने TV चैनल पर कर रहे थे। असंख्य आंखों ने देखा, पाकिस्तानी धरती पर कदम रखते ही उन्हें जबरदस्त सुरक्षा घेरे में ले लिया गया था। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी सी मच गई, दुनिया भर के जर्नलिस्ट उनके करीब पहुंचना चाहते थे, परंतु आर्मी का वो घेरा उनसे काफ़ी दूर था, जिसका काम उन्हें वहीं रोकना था और अपना काम वे पूरी मुस्तैदी से कर रहे थे। माइक पर कहा जा रहा था, इस वक्त आप केवल 3 आतंकवादियों को देख रहे हैं, 2 विमान के अंदर कमांडोज कार्रवाइयों के दरमियान मारे जा चुके हैं, विमान मुक्त करा लिया गया है, कुछ देर बाद आम सभी यात्रियों को सकुशल विमान के बाहर निकलते देखेंगे। ये कारनामा पाकिस्तान के जाबाज कमांडोज ने अपनी जान पर खेल कर अंजाम दिया है। इन आतंकवादियों पर पाकिस्तानी अदालत में पाकिस्तानी कानूनों के तहत मुकदमा चलेगा। विमान की सीढ़ी से केवल 10 मीटर दूर एक वैन खड़ी थी, बख्तरबंद वैन, उन तीनों को उसी में ठूस दिया गया। चारों कमांडोज भी उसमें सवार हुए, आर्मी के कुछ अफसर भी,
धनुष से निकले तीर की तरह वैन एक तरफ को दौड़ती चली गई। जब लोग अपने टीवी पर केवल ब्रेन को देख रहे थे, कुछ देर बाद वो भी नजर आनी बंद हो गई, क्योंकि अब वो कैमरे की आंखों से उछल हो चुकी थी। माइक पर अभी कहा जा रहा था उन्हें कराची जेल से ले जाया गया है, जहां उन्हें कड़ी सुरक्षा घेरे में ले ब्रेड के तहत रखा जाएगा। अगली सुबह वे शानदार ब्रेकफास्ट लेकर चूहे ही थे कि एक मुबर्रक बुरक जनरल के साथ उनके सर्वसुविधा युक्त कमरे में हाजिर हुआ। कुछ इस तरह बोला वो, जैसे मातहत अपने अफसरों से बात करते हैं। आपको हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? विकास ने पूछा। हमारे चीफ के पास, वे आपसे मिलना चाहते हैं। अंदर ही अंदर मुस्कुराया विकास, बोला चलो हम तैयार हैं। इस प्रकार वो कमरे से बाहर निकले। जेलर जेल के मुख्य द्वार के बाहर खड़ी वैन तक उनके साथ आया। विकास, लियाकत और सनवर पिछले सीट पर बैठे, युवक वर्दीधारी ड्राइवर की बगल में। वैन के काले शीशे पहले ही से चढ़े हुए थे। कुछ देर बाद वैन कराची की सड़कों पर तैरती फिर रही थी। सनवर ने अपनी साइड का शीशा नीचे करने के लिए हाथ बढ़ाया तो दो युवक का उठा। क्षमा करें मिस्टर सनवर, इसे रहने दे। क्यों? सनवर ने पूछा। एक अंबक अखबार निये घास होते हैं, अगर किसी की नज़र आप पर पड़ गई तो उड़ती उड़ती खबर उन तक पहुंच जाएगी और फिर वो विश्वभर के अखबारों तक ये खबर पहुंचा देंगे कि जिन्हें जेल में बताया जा रहा है वो आईएसआई की गाड़ी में घूम रहे थे। ये गाड़ी आईएसआई की है? लियाकत पूछ बैठा। जी, युवक ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। वैन में खामोशी छा गई। विकास चुपचाप भागते हुए वो वैन से बाहर का दृश्य देख रहा था। अब वे शहर से बाहर निकल आए थे, यानी सड़क पर भीड़ भाड़ न के बराबर थी। करीब 30 मिनट बाद वैन एक ऐसे स्थान के विशाल एवं मुख्य द्वार पर रुकी जिसकी चार दीवारी कम से कम 12 फुट ऊंची थी और उसके ऊपर 5-5 फुट तक कंटीले तार लगे थे। चार दीवारी बता रही थी कि उसने कई एकड़ जमीन घेर रखी है। मुख्य द्वार बंद था और उस पर पाकिस्तानी आर्मी के कम से कम 10 जवान तैनात थे। वैन के रुकते ही उनमें से एक नज़दीक आया। युवक ने जेब से निकालकर एक परिचय पत्र दिखाया। अच्छी तरह देखने के बाद उसने अपने साथियों को इशारा किया। इशारा होते ही छोटे केबिन में बैठे एक सिपाही ने अपने सामने रखे रजिस्टर में जाने क्या लिखा। दो सिपाहियों ने दरवाज़ा खोला। युवक के इशारे पर ड्राइवर ने वैन आगे बढ़ा दी। इधर वैन को दरवाज़ा पार किया, उधर दरवाज़ा पुनः बंद हो गया। वे एक ऐसे मैदान में पहुंच गए जहां विभिन्न दिशाओं से जाने के लिए सड़कें थी। चारों तरफ अनेक इमारतें थीं, एक दूसरे से दूर दूर। वैन उनमें से एक इमारत के द्वार पर रुकी। युवक उन्हें उस इमारत के जिस वातानुकूलित कमरे में ले गया। वहां भूरी आंखों वाले एक आकर्षक व्यक्ति ने उनका स्वागत किया। यह हमारे चीफ है, कहते हुए उसने तीनों से हाथ मिलाए। तीनों चुप रहे। बैठो, कहने के बाद वो मेज के पार अपनी कुर्सी पर बैठ गया। आपके कमांडोज के साथ एक मिली हुई लड़ाई लड़ रहे थे। जितना अफसोस तुम्हें है मिस्टर सबीर, यकीन मानो उतना ही हमें भी है। वो अगर चार बहादुरों में से एक मारा जाए तो किसे अफसोस नहीं होगा। हम मरने से नहीं डरते, लियाकत का उठा। मरने के लिए ही हम इस जंग में कूदे, चीफ ने मोहक मुस्कान के साथ कहा। हम जानते हैं। तीनों चुप रहे। कुछ देर खामोशी के बाद चीफ बोला, विमान अपहरण के रूप में तुमने जिस महान और नामुमकिन समझे जाने वाले काम को अंजाम दिया है, उसकी वजह से आज पूरे विश्व में बहादुरी के गीत गाए जा रहे हैं। हम जानते हैं कि एक दिन कश्मीर आज़ाद होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, कि बड़े तड़ी से आए विकास ने कहा। मैं वो सवाल पूछना चाहता हूँ जिस कोने में तुम जैसे जीवन नौजवान हो, उन्हें एक आज़ाद मुल्क ना जवाब हमें भी तक नहीं मिला है। जेलर ने कहा था उस सवाल का जवाब आप देंगे। कौन सा सवाल? जब हम विमान में थे और कंट्रोल रूम से मुझे योजना बनाई गई थी, तब ये कहा गया था कि यात्रियों को सामने इस किस्म का ड्रामा करना जरूरी है,
जिससे ये नज़र आए कि पाकिस्तान कमांडोज ने बड़ी टेक्निक, चुस्ती और फुर्ती से हम लोगों पर काबू पाया है। ये भी कहा गया था कि हम चारों को गिरफ्तार किया जाएगा और अरगल को गोली मार दी जाएगी, ताकि देखने सुनने वालों को ये न लगे कि आतंकवादी और पाकिस्तानी कमांडोज मिले हुए थे। सिर्फ अरगल को मरना था, फिर असगर कैसे मर गया? हमें बताया गया है कि ये गफत में अरगल की गोली से मारा गया था। मिले, अब हमें क्या करना होगा? विकास मतलब की बात पर आ गया। चीफ ने कहा, हमारी सलाह तो ये है कि फिलहाल आराम करो। क्या मतलब? जितना बड़ा काम तुमने किया है उसके बाद आराम जरूरी है। वैसे भी दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तानी अदालत में तुम पर केस चलेगा। आम जनता की जानकारी में यही होगा कि तुम लोग जेल में हो, अतः तुम्हारे द्वारा किसी किस्म का कोई काम किए जाने का सवाल ही नहीं। वो उठता हुआ, वास्तव में हम कहाँ रहेंगे? यहीं, यहाँ, यही तो मैं जानना चाहता हूँ, विकास अप्रसन्न स्वर में बोला। नहीं, इस ऑफिस में नहीं। चीफ हंसा, उच्च चारदीवारी के घिरा बोला, ऐसी गलफत आखिर हो कैसे गई? वे प्रतिष्ठित कमांडोज हमारे एक साथी को बचा क्यों नहीं सके? हम समझते हैं मिस्टर सबीर कि तुम्हें अपने साथी को मरने का दुख है। चीफ के नम्र स्वर में कहा, मगर इस किस्म की दुर्घटनाएं अक्सर हो जाती है जिन पर इंसानी जोर नहीं होता। हमें दुख असगर के मरने का नहीं, बल्कि इस बात का अफसोस है कि वो तब मरा जब हम हर खतरे पर अपनी फतह का झंडा गाड़ चुके थे। वो तब नहीं मरा जब हम दुश्मनों से जूझ रहे थे। उस वक्त मरा जब ये 5 एकड़ जमीन का एक टुकड़ा है। इस टुकड़े को हमने 10 सेक्टर्स में बांटा रखा है। अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग काम होता है। एक सेक्टर तुम जैसे जाबाज युवकों की रिहाइश के लिए भी है। यानी हम रहेंगे यहाँ जबकि दुनिया ये समझ रही होगी कि हम जेल में ही हैं। हाँ, महीने दो महीने बाद तुम्हें एक आध रात जेल की साधारण बैरक में गुजारनी पड़ा करेगी। वहाँ क्यों? दिखावे को बरकरार रखने के लिए, दिखावे के लिए मुकदमे की तारीखें लगा करेंगी। तारीख वाले दिन से एक दिन पहले तुम्हें यहाँ से जेल पहुँचा दिया जाया करेगा, ताकि पत्रकार आदि देख सके कि तुम जेल में साधारण कैदी की तरह ही रह रहे हो। कोर्ट से वापस लाया भी जेल में ही जाएगा। अगले दिन उसी तरह तुम फिर यहाँ आ जाया करोगे जिस तरह आ जाए हो। ये दिखावा निहायत ज़रूरी है। चीफ, हम समझ गए, लियाकत बोला। मगर, विकास ने कहा, हम खाली नहीं बैठे रह सकते, हमें कोई काम चाहिए। काम? चीफ के होठों पर अर्थपूर्ण मुस्कान उभरी। इन दोनों को भले ही ना की दिया जाए मगर तुम्हें काम जरूर दिया जाएगा। तुम हमारे लियाकत और सनवर से भी कहीं ज़्यादा खास मेहमान हो। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? उसने कोई बटन दबाया। हल्की सी घबराहट की आवाज़ ने तीनों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। निगाहें उस तरफ घूम गई। वहाँ एक दरवाज़ा नजर आने लगा था। तुम? चीफ ने विकास से कहा, सिर्फ तुम वहाँ जाओगे। उस दरवाजे के पार तुम्हारे लिए काम ही काम है। विकास समझ गया था कि वो क्षण आ गया है जिसका उसे न जाने कब से इंतजार था। कमरे में कदम रखते ही उसका सोन नुसरत तुगलक से उसका सामना हुआ। वे ठीक सामने एक खमचाती हुई विमान विशाल मेज के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे हुए थे। बैठे क्या थे, कमरे में पड़े थे। उन पर पैर ऊपर उठाकर मेज पर रखे हुए थे। अभी न विकास कुछ बोला था और न ही उनमें से कोई भी। हल्की सी घरघराहट के बाद दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। विकास ने पलट कर देखा जिसने वो दरवाज़ा बंद हो चुका था। फोटो पर हल्की सी मुस्कान लिए वो फूनन नुसरत तुगलक की तरफ घूमा। नुसरत केला खा रहा था। तुगलक सेब, फलों की भरी टोकरी मेज के बीचों बीच रखी थी। आओ छटंकी मैया, तुगलक ने कहा, क्या खाओगे? सेब, केला, अंगूर, अनार, अनानास या पपीता? छटंकी, उसने चौंकने की एक्टिंग की, ये किसे पुकार रहे हैं आप? और नुसरत ने कहा, आप लोग हैं कौन? उसने पूछा। ले बेटा, जासूस की औलाद। सेब में बुढ़क मारने के बाद तुगलक ने कहा,
छटंकी मियाँ पूछ रहे हैं कि हम दोनों कौन हैं। हम यानी नुसरत तुगलक पाकिस्तान के अजीमोशान जासूस हैं। खुद को आने के लिए हमने हिंदुस्तान को आतंकवाद की भट्टी में झोंक दिया और ये हजरात है कि अभी तक हमें जान ही ना सके मियाँ। लानत है हम पर, केला खाकर छिलका एक तरफ फेंकते नुसरत ने कहा। लानत है खुद पर, छटंगी पर भेज बैगन के भरते। ऐसा क्यों? क्योंकि छटंगी अभी तक मुगलाते में है। कैसे मुगालते में ये? मगर अभी भी ये सोच रहा है कि हम इसे सबीर साह समझ रहे हैं। करेक्ट, ऐसा ही लगता है। वो दूर कर इसकी गलत फहमी तो दूर कर दे। तुगलक के कुछ भी कहने से पहले विकास ने आश्चर्य व्यक्त किया। इसका मतलब तुम जानते हो कि मैं विकास हूँ? आज इस बात छोड़ो मियाँ, आज तो सारी दुनिया ही जानती है कि तुम छटंकी हो, क्योंकि ये भेद तो तुम्हारा मुल्क ही सारे संसार को बता चुका है। कितने दुख की बात है, तुम्हारा अपना मुल्क इस मिशन पर तुम्हारा साथ नहीं है। उसने खुद हमारी सरकार से कहा, विमान अपहरण करने वालों में से जो शख्स खुद को सबीर शाह बता रहा है वो सबीर शाह नहीं बल्कि विकास है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। और तुम्हारी सरकार ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान विकास के साथ चाहे जैसा भी बर्ताव करे, इंडियन गवर्नमेंट उसके किसी कृत्य के लिए जिम्मेदार नहीं है। लानत है मियाँ, लानत है ऐसे मुल्क पर, नुसरत बोला। मेरे मुल्क में मेरे बारे में ऐसा कहा होता तो अपने ही मुल्क की बगिया बैठा देता मैं, वरना ये कोई बात हुई भला? हुजूर तो अपने मुल्क में आतंकवाद फैलाने वाले के लाल करने के लिए फटफड़ा रहे हैं और मुल्क साला है कि कहने के साथ उसने अपने चेहरे से सबीर शाह वाला मास्क नोच लिया। अब वो साफ साफ विकास नजर आ रहा था। विकास गुर्रा उठा, गाली मत देना मेरे देश को। अरे मगर हुजूर, हिंदुस्तानी सरकार ने जो कहा ठीक कहा, उसकी बात काट कर विकास सुलगते स्वर में कहता चला गया। सचमुच मेरे किसी कृत्य की जिम्मेदार भारत सरकार नहीं है। मैं जो कुछ करने निकला हूँ व्यक्तिगत स्तर पर करने निकला हूँ। विकास को सबीर शाह बनने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मेरा मुल्क मेरे साथ नहीं था, मेरे गुरु मेरे साथ नहीं थे। वे साथ होते तो तुम्हारी इस नापाक धरती पर पहुँचने के लिए इतने पापड़ नहीं बेलने पड़ते, मुझे विमान अपहरण नहीं करना पड़ता, विजय गुरु को चकमा देने के लिए इतना लंबा चौड़ा प्लान बनाना पड़ा मुझे। सुन लो तुगलक मियाँ, कान खोलकर सुन लो, नुसरत ने विकास की खिल्ली उड़ाने वाले अंदाज में कहा। हजरत अभी तक इसी गलत फहमी के शिकार है कि अपने प्लान से यहाँ आए हैं, विमान अपहरण इनका अपना कारनामा है। तब तक उजूर को बताओगे नहीं तब तक हकीकत का पता कैसे लगेगा? क्या मतलब? विकास का चौंका हुआ सर, तुम लोग कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं बंदा परवर कि तुम भी मूर्ख हो और तुम्हारा मुल्क भी, नुसरत कहता चला गया। मुल्क इसलिए क्योंकि अपने तुम जैसे हीरे को तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया, हमारे हवाले कर दिया था, हम जैसे जल्लादों के हवाले। अब किसी भी कीमत पर हम तुम्हें जीवित छोड़ने वाले नहीं हैं। अब तो हमें तुम्हारा क्रियाकर्म करने का अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस मिल चुका है। ये लाइसेंस खुद तुम्हारे मुल्क ने दिया है, भला इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या होगी? और तुम बेवकूफ़ इसलिए हो क्योंकि अभी तक खुद ही को विमान अपहरण का हीरो समझ रहे हो। विमान अपहरण के हीरो तुम नहीं, हम है बरखुदार, हम पाकिस्तान के अजीमोशान जासूस। विमान अपहरण तुमने किया नहीं बल्कि तुमसे कराया गया था और कराने वाले थे हम। हमने नहीं, पाकिस्तान ही में बैठे बैठे ऐसे साजिश रची कि तुम वहीं करते चले गए जो हम चाहते थे। हंसा विकास, बोला मैं जानता हूँ तुम दुनिया के नंबर वन गपोटी हो, सो तो आपकी दुआ से हम हैं, मगर आपको ये जानकर दुख होगा कि इस वक्त इस मसले पर हम गप नहीं हाँक रहे हैं। इस बार तुगलक ने बोलना शुरू किया था। सबूत इसका यह है कि सुप्रीमो हमारा ही प्यादा है। सुप्रीमो? उसने चौंकने का नाटक किया। नुसरत बोला, चौंके सरकार ये सोचकर कि हम इस नाम के शख्स को कैसे जानते हैं? वाकई चौंकने की बात है, विकास ने कहा। तुम्हें कैसे मालूम कि मेरे लियाकत सनवर ऑस्कर के पीछे सुप्रीमो था? अभी अभी फरमाया सरकार, ये पट्टा तो प्यादा ही हमारा था। उधर तुमने आग बबोला होकर जनरल साहब के गाल पर थप्पड़ मारने का ऐलान किया। इधर हमारे नेतृत्व में भारत स्थित ISI के एजेंट सक्रिय हो गए। उन्होंने पता किया तुम सराय में हो
और कहा कि मालकिन यानी सांता से तुम्हारा गठजोड़ हो गया है। तो राजनगर में ईसाई के कमांडर यानी सुप्रीमो ने हमसे ट्रांसमीटर पर कहा, इससे बेहतरीन मौका हाथ नहीं लगेगा सर। जाने कब से पाकिस्तान विकास की लाश का तलबगार है। इस वक्त सरायमोज की स्थिति चूहे जैसी है। हमारे आदमी बड़े आराम से वहाँ जाकर उसे मौत के घाट उतार सकते हैं। हालांकि कहा सुप्रीमो ने भले ही ठीक हो मगर हमने उसे कसकर डांट दिया था। कहा अपने दिमाग का इस्तेमाल मत करो, केवल वो करते जाओ जो हम कह रहे हैं। और कहा हमने ये अपने 3 जबाज अलकायदा के आतंकवादी के रूप में सराय में भेजा और उनसे कहो सराय की मालकिन के सामने वे ऐसी बातें करें जैसे किसी विमान को अपहरण करने के तलबगार हो। ऐसा हमने इसलिए कहा था क्योंकि जानते थे इस बात का जिक्र सांता तुमसे जरूर करेगी और तुम जो पहले ही विजय की कड़ी पेशबंदी के कारण राजनगर से निकल नहीं पा रहे थे, तुम्हें पाकिस्तान पहुंचने का एक शानदार रास्ता नजर आने लगेगा। और ठीक वही हुआ। ठीक वही सांता से सनवर लियाकत और अस्कर के इरादों का पता लगते ही तुमने उन्हें ज्वाइन करने की ठान ली और उन्हें ज्वाइन किया। हमारे ही निर्देश पर सुप्रीमो भी सराय में जाकर तुमसे मिला। एक बार फिर उसने तुम्हें सराय में ही ख़त्म कर डालने का प्रस्ताव रखा। हमने फिर उसे डांट दिया। वो बेचारा बार बार ये प्रस्ताव इसलिए रख रहा था क्योंकि सोचता था इस वक्त वो सारी कमान हाथ में है, बड़ी आसानी से विकास को ख़त्म किया जा सकता है। कल का क्या भरोसा, कमान अपने हाथ से निकल भी सकती है। मगर हमें पूरा यकीन था जो जाल हमने बिछाया है उसके ताने बाने किसी भी कमान हमारे हाथ से नहीं निकलने देंगे। हमारा मकसद केवल तुम्हारा खात्मा ही नहीं था बल्कि तुम्हारे जरिए तुम्हारे मुल्क को बदनाम कर देना भी था। वो साबित करना था कि पाकिस्तान तो हिंदुस्तान में आतंकवाद फैला रहा है या नहीं, मगर एक हिंदुस्तानी पाकिस्तान में आने के लिए विमान अपहरण जैसा संगीन जुर्म भी कर रहा है। और देखो हम बात साबित करने में कामयाब हो गए, इस कदर कामयाब हुए कि तुम्हारे मुल्क तक को तुम्हारे कुकृत्यों से पल्ला झाड़ना पड़ा। सोचो छटंकी मियाँ, सोचो जितनी मदद विमान अपहरण करने में सुप्रीमो ने तुम्हारी की है और न की होती तो क्या तुम विमान अपहरण कर पाते? नहीं ना। अब सोचो विमान अपहरण तुमने खुद किया है या तुम्हें अपने जाल में फंसा कर हमने कराया है? कौन हुआ विमान अपहरण का असली हीरो? तुम कदम कदम पर केवल वही करने के गुनहगार हो जो हमने चाहा। और कितना शानदार चाहा था हमने। हालात देखो क्या है, सारी दुनिया के साथ साथ खुद तुम्हारा अपना मुल्क भी आज तुम्हें विमान अपहरण जैसे संगीन जुर्म का मुजरिम मानता है। सनवर लियाकत और असगर को विश्व अलकायदा के आतंकवादी समझ रहा है जबकि असल में वे ISI के जासूस थे। उनके जरिए हम संसार को ये संदेश देने में भी कामयाब हुए हैं कि कश्मीर को आज़ाद कराने से पहले अलकायदा खामोश बैठने वाला नहीं है। बहरहाल अंततः कश्मीर को भारत से अलग कर देना ही तो हमारा लक्ष्य है। इधर मौजूदा हालात में अगर हम तुम्हें सरयाम फांसी पर भी लटका दें तो दुनिया में कोई पाकिस्तान को गलत कहने वाला नहीं है। सोच खुद को दुनिया का सबसे खतरनाक लड़का समझने वाले गधे सोच, अपनी एक ही चाल से हमने कितने शिकार कर डाले। हराम जादे कुत्तो, चीख पड़ा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम यही बात तो ठूसना चाहते हैं हम तेरी वसी हुई खोपड़ी में। कामयाबी के नशे में चूर नुसरत कहता चला गया, यह है नुसरत तुगलक वो कर चुके हैं जिसे तू और तेरा ये मर्दूद गुरु तो क्या सारी दुनिया सोच तक नहीं सकती। दुनिया चाहती थी, पाकिस्तान के हुक्मरान भी चाहते थे कि विमान से बाहर आते ही एयरपोर्ट ही पर तेरे चेहरे पर चढ़ा सवीर शाह वाला फेस मास्क नोच लिया जाए ताकि दुनिया भर में चल रहे लाइव टेलीकास्ट पर उस दृश्य को देखा जा सके। मगर हमने ऐसा नहीं होने दिया। सख्त हिदायत दी थी कि विकास को ये पता नहीं लगना चाहिए कि बच्चा बच्चा उसके विकास होने के भेद को जान चुका है। हमारे सामने पेश होने तक वो इसी भ्रम का शिकार रहना चाहिए कि लोग उसे अभी भी सबीर शाह ही समझ रहे हैं। इसलिए तुम्हारी खातिर पाकिस्तान के दामाद की तरह ही हर उस अक्षर को पूरा किया गया जो सुप्रीमो ने तुमसे कहा था। उसने कहा था अगर तुम एक ज़बरदस्त कमांडो कार्रवाई के बाद विमान अपहरण करके कराची ले गए
तो दुनिया की नज़र में भले ही विमान को आतंकवादियों से मुक्त किया गया साबित हो जाए, परंतु असल में वो कार्रवाई नूरा कुश्ती होगी। दामाद होगे तुम पाकिस्तान सरकार के, तुम्हारे इस कमरे में दाखिल होने तक वहीं सारा ड्रामा खेला गया। सनवर, लियाकत और असगर तक को मालूम नहीं था कि तुम विकास हो। असगर बेचारा तो खैर मारा गया, परंतु लियाकत और सनवर अभी तुम्हें सबीरसा ही समझ रहे हैं। वे वाकई पाकिस्तान के दामाद हैं और रहेंगे। इतना लंबा ड्रामा हमने अपनी केवल एक ही हसरत पूरी करने के लिए किया, ये कि जब तुम पर ये भेद खुले कि तुम्हारे भेद से हर कोई वाकिफ है, तुम हमारे नुसरत तुगलक के सामने हो ताकि तुम्हारे चेहरे पर फैले आतंक को अपनी आँखों से देख सके। तुम्हारे चेहरे के जर्रे जर्रे पर हम अपनी कामयाबी की इबादत लिखी देना चाहते थे, छटंकी प्रसाद। और इतना कुछ सुनने के बाद अब जाकर मुस्कुराया विकास, दायां हाथ एक बार फिर अपने चेहरे की तरफ बढ़ाया और अगले पल उस हाथ में विकास के चेहरे को देख उछल पड़े नुसरत और तुगलक। मारे हैरत के उनका बुरा हाल हो गया। अब उनके सामने एक और चेहरा था, बिल्कुल नया चेहरा, विकास की कदकाठी वाला सांवले रंग का एक आकर्षक युवक था और जिसके होठों पर मुस्कान थी। बौखला गए नुसरत तुगलक, दोनों के मुंह से एक साथ निकला, कौन हो तू? क्यों? उसने कहा। इतने पापड़ बेलने के बावजूद विकास के चेहरे पर आतंक देखने की हसरत पूरी नहीं हुई तुम्हारी? चारों पैर मेज से सिमटे, दोनों रिवॉल्विंग चेयर चूचा की आवाज़ के साथ चीखी चिल्लाई। फिर मेज के उस पार नुसरत तुगलक इस तरह एक साथ खड़े नजर आए जैसे एक ही रिमोट से कंट्रोल होने वाले बिजली के पुतले हो। बिजली के पुतलों तो फिर भी केवल बिजली स्तर पर ही किसी रिमोट से कंट्रोल हो सकते हैं, यहाँ तो उनके चेहरे पर उभरने वाले भाव भी एक जैसे ही थे। हैरान, परेशान, सारे संसार का आश्चर्य सिमटा और आधा नुसरत के फेस पर आकर स्थिर हो गया। आधा नुसरत के चेहरे पर कुंडली मारे बैठा था। सामने खड़े युवक को इसी नज़रों से देख रहे थे वे जैसे कुतुब मीनार को अपने सामने ठुमके लगाते देख रहे हो। ठीक यही वक्त था जब सांवले रंग के आकर्षक युवक ने कहा, अरे ये भाव तो मैं इस वक्त तुम दोनों के चेहरे पर देख रहा हूँ जो तुम विकास के चेहरे पर देखना चाहते थे। नुसरत तुगलक की नज़रें मिली, भाव ऐसे थे जैसे एक दूसरे से पूछ रहे हो तेरी बुद्धि में कुछ आया? नुसरत बहन, तुगलक के मुंह से बड़बड़ाहट खारिज हुई। नुसरत बोला, हाँ तुगलक भैया, ये माजरा क्या है? गड़बड़ भी छोटी मोटी नहीं, अच्छी खासी वजनी है, ऐसी कि आराम से उठाकर इधर से उधर भी नहीं रखी जा सकती। कहो भैया, नुसरत ने उनसे पूछा, हो कौन तू? अगर तुम्हारे पेट का दर्द मेरा नाम सुनकर दूर हो सकता है तो बता देता हूँ। सांवले युवक ने उनकी अवस्था का भरपूर आनंद लूटते हुए कहा, बंदे का नाम अशोक पांडे है, इन थोवडो यानी सबीर शाह के और छटंके फेस मास्क के पीछे कहाँ से आग घुसे तू? विमान से। कफ बात तब की है जब विकास, सनवर, लियाकत और असगर विमान पर पूरी तरह काबू पा चुके थे, अर्थात विमान अपहरण की घटना पूरी हो चुकी चल रही थी। अगर किसी शख्स ने अल्फांसे का नाम यूज भी किया है तो उसके पीछे कोई कारण जरूर होगा। उस कारण तक पहुंचने के लिए ही टॉयलेट में पहुंचते ही पट्टे ने झपट कर मेरी गर्दन दबोच ली, गुर्राया, कौन हो तो? और कागज में लिखे वाक्य का मतलब क्या है? मतलब सीधा सा है, मैंने कहा मैं आपको मास्टर का एक मैसेज देना चाहता हूँ। कौन मास्टर? वही जिनका नाम कागज पर लिखा था। अल्फांसे जी, किसका नाम है? कमाल है, अगर आप ही इस नाम के शख्स को नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? कहना क्या चाहते हो? उसकी पकड़ मेरी गर्दन पर बढ़ गई, लगा अगर मैंने जल्दी उसको पूरी सिचुएशन से वाकिफ नहीं कराया तो फट्ठा गर्दन दबाकर ही लुटका देगा मुझे, इसलिए तुरंत लाइन पर आता हुआ बोला, ओह समझा, आप अब खुद को मेरे सामने सबीर शाही सिद्ध करना चाहते हैं, इसलिए मास्टर के नाम से अनजान बन रहे हैं। पर जनाब, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप कोई सबीर ववीर नहीं बल्कि विकास है, विकास दिग्रे। कैसे जानते हो? उसकी पकड़ मेरी गर्दन पर और मजबूत हो गई। मास्टर ने बताया था। मास्टर से तुम्हारा मतलब से गुरु से है? जी थी। बड़ी मज़ेदार स्टाइल में अशोक पांडे बताता चला गया। देखकर मैंने लियाकत, सनवर, अर्शकर की ही नहीं सभी यात्रियों की नज़रों से बचाकर
एक कागज सबीरसा के हाथ में ठूस दिया। उस कागज में लिखा था, कागज देने वाला शख्स कुछ देर बाद टॉयलेट की इच्छा व्यक्त करेगा, उसे जाने देना, पीछे पीछे तुम भी चले जाना, ऐसे तुमसे जरूरी बातें करनी है, तुम्हारा गुरु अल्फांसे। अल्फांसे? एक बार फिर दोनों एक साथ उछल पड़े। तुमने दुनिया के सबसे बड़े धीवट का नाम इस्तेमाल किया। शुरू में मैं उसे भी शायद यही लगा था कि मैं अल्फांसे का नाम यूज कर रहा हूँ, इसलिए उसने मुझे खा जाने वाले अंदाज में घूर कर देखा था। मैं बगैर डरे उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता रहा। शायद उनके दिमाग में ये रील खेले उनके दुनिया भर में फैले अनेक चेलों में से। इस विमान में यात्रा क्यों कर रहे हो, पूरी बात बताओ, गर्दन छोड़ो तो बताओ, स्थिति यही रही तो मेरे मरने का खतरा है, और मैं मर गया तो? अपना वाक्य मैंने अधूरा छोड़ दिया था, पूरा करने की जरूरत ही नहीं रह गई थी। कारण था उन साहब का मेरी गर्दन छोड़ देना। अपने होशोहवास दुरुस्त करने में मैंने 2 सेकंड से ज़्यादा खर्च नहीं किए। 3 सेकंड की शुरुआत में ही बोला, बता ही चुका हूँ, दुनिया भर में बिखरे पड़े मास्टर के अनेक शिष्यों में से एक हूँ मैं। राजनगर में रहता हूँ, धंधा है अमेरिका में जूते सप्लाई करना। आधी रात को मास्टर का फोन आया, उनकी आवाज़ सुनते ही मैं झूम उठा। शुरू में तो लगा ख्वाब देख रहा हूँ, मगर नहीं, वो ख्वाब नहीं था, सचमुच दूसरी तरफ से मास्टर ही बोल रहे थे। मैंने पूछा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? उन्होंने कहा, इस फेर में मत पढ़ो, मैं जानता हूँ कि तुम अपने कारोबार के सिलसिले में अमेरिका जाते रहते हो, ये बताओ अगली ट्रिप कब लग रही है? मैंने कहा, महीने में 2-3 बार तो अमेरिका आना जाना लगा ही रहता, इसलिए मैं हमेशा ओपन टिकट रखता हूँ। जिस दिन जाना हुआ उस दिन मोहर लगवाया और यूँ चढ़ गया प्लेन में जैसे लोग लोकल बस में चढ़ जाती है, मगर आजकल जरा सख्ती है, 24 घंटे पहले खबर करनी पड़ती है। मास्टर ने कहा, तुम्हें भी? मैं बोला, आमतौर पर तो करता ही हूँ, मगर अब हुक्म तो कीजिए मास्टर, इतने जुगाड़ तो रखते ही मैं। आप बोले, आपके चेले वैसे भी डेली पैसेंजर होने के कारण एयरपोर्ट अथॉरिटीज में काफ़ी जान पहचान हो गई है, कौन सी फ्लाइट में किसे भेजना है, उन्होंने हुक्म दिया 8:00 वाली फ़्लाइट से खुद तुम्हें जाना है। बोलो, कर सकोगे जुगाड़, जा सकोगे? मैं बोला, कैसी बात कर रहे हो मास्टर, आपका हुक्म होगा तो क्यों नहीं जाऊँगा? बस ये बताइए, उस फ्लाइट में जाने से ज़्यादा और मुझे क्या करना है? मास्टर ने कहा, काम बहुत खतरनाक है पांडे। मैंने कहा, बस ये बता दीजिए, जान जाएगी या नहीं? वे बोले, बस ये समझ लो इस बार वहीं चाहिए। मैंने चौंक कर पूछा, क्या बात है मास्टर? उन्होंने कहा, कुछ देर बाद तुम्हारे पास एक आदमी पहुंचेगा, वो भी तुम्हारी तरह मेरा शिष्य है, बड़ा गुणी आदमी है, वो तुम्हें अपने हुनर का कमाल दिखाएगा और बताएगा कि तुम्हें क्या करना है। उसकी बातें मेरी तरफ से समझ कर गौर से सुनना और वहीं करना जो कहे। मेरे ओके कहते ही दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद कर दिया गया। उसके बाद करीब 1/2 घंटे बाद मेरे पास मोटे लेंस का चश्मा लगाए एक बूढ़ा आदमी पहुंचा। उसने मुझे 2 फेस मास्क दिए, एक मेरा यानी मेरे अपने फेस का और दूसरा उस फेस का जिसे मैं विकास के नाम से जानता था, यानी तुम्हारे फेस का। मैंने कहा, बात समझ नहीं आ रही, मुझे करना क्या है? चश्मे वाले ने बताया, जिस विमान में तुम्हें यात्रा करनी है उसका अपहरण करने वाले एक अपहरणकर्ता का नाम सबीरसा होगा। मैंने तपाक से कहा, जिसका फेस मास्क ये है? चश्मे वाले ने कहा, करेक्ट। तुम्हें किसी भी तरह विकास से अकेले में बात करनी है, अपने बारे में बताना है, और वही इस वक्त मैं कर रहा हूँ। इतना सुनने के बाद विकास ने कहा, तो तुम अल्फांसे गुरु के कहने पर मुझसे बात कर रहे हो? ये बात स्टाम्प पेपर पर लिख कर देनी पड़ेगी क्या? मैंने पूछा, अल्फांसे गुरु को मेरे विकास होने के बारे में कैसे पता लगा, और उन्होंने कैसे जाना कि इस विमान का अपहरण होने वाला है? मुझे नहीं पता, मतलब पहली बात मास्टर मेरे सामने थे ही नहीं, दूसरी बात होते भी तो ऐसे सवाल पूछने को मैं हिम्मत नहीं जुटा पाता। उनके मुझ जैसे सागिर्दों का काम है बगैर सवाल करे उनके हुक्म का पालन करते जाना। और क्या हुक्म हुआ है उनका? उनके चेले ने मुझे बताया है, आपको अपने अशरफ नामक साथी से ये बात पता लग गई है कि नुसरत तुगलक नामक पाकिस्तानी जासूस न केवल आपके विकास होने का भेद जानते हैं, बल्कि सुप्रीमो नामक अपने किसी आदमी की मदद से घुमा फिरा कर उन्होंने ही आपको इस काम पर लगाया है। आपके नॉलेज में ये भी है कि कराची एयरपोर्ट पर आपका स्वागत नुसरत तुगलक करने वाले हैं, इसलिए अब आपने
प्लान ए बनाना है कि विमान को कराची एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के किसी और एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाए और नुसरत तुगलक के वहाँ पहुँचने से पहले ही हद हो गई। विकास की आँखों में आश्चर्य ही आश्चर्य था। अल्फांसी गुरु को इतनी सब जानकारी कहाँ से मिली? बता चुका हूँ, इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। खैर, चाहते क्या हो? ये कि आप अपना प्रोग्राम ना बदले, कराची में लैंड करने का। हाँ, यानी विमान को कराची ही ले जाओ। मास्टर का आपके लिए यही पैगाम है। अजीब पैगाम है। नुसरत तुगलक की गिरफ्त में फंसाना चाहते हैं क्या? हुए मुझे ऐसा नहीं होगा। जब वे कराची एयरपोर्ट पर मेरे स्वागत के लिए मुस्तैद बैठे हैं तो क्यों नहीं होगा? आप आराम से मेरी सीट पर जाकर बैठे। मुँह से निकला, ये तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि जब हम इस टॉयलेट से बाहर निकलेंगे तो मैं आप और आप मैं में बन चुके होंगे। कहने के साथ मैंने जेब से अपना फेस मास्क निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उस वक्त वो हैरत से मेरी तरफ देख रहा था। जब मैंने कहा, सबीर साह वाला, ये फेस मास्क आप मुझे दे दीजिए, कपड़े भी चेंज कर लेते हैं। उसने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था और उस वक्त तो उसका आश्चर्य पराकाष्ठा पर पहुंच गया जब मैंने जेब से उसके चेहरे का मास्क निकालकर अपने चेहरे पर चढ़ाया और उसके ऊपर चढ़ाया सबीर साह वाला फेस मास्क। उका उठा, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा जवाब सिंपल था, वही जो मास्टर का हुक्म है। इतना आसान है क्या ये? सनवर, असगर, लियाकत या दूसरा कोई ताड़ भी तो सकता है कि नहीं ताड़ सकेगा? वजह, अपने गुरु यानी मास्टर अल्फांसी को क्या आप कोई कमज़ोर स्कीम बनाने वाला शख्स समझते हैं? इस काम के लिए उन्होंने बिल्कुल सही आदमी को चुना है। अमेरिका में जूते सप्लाई करने से पहले नाटकों में स्टेज पर हल्ला मचाया करता था मैं, लोग मेरी एक्टिंग के दीवाने थे। बदनसीब था कि बेगुनाह होने के बावजूद पुलिस द्वारा एक बैंक रॉबरी में घसीट लिया गया। फांसी के फंदे से खैर मुझे मास्टर खींच लाए, मगर करियर तो तबाह हो ही चुका था। तब मास्टर ही ने मुझे जूतों के धंधे में लगाया। आज अपने उसी यानी एक्टिंग वाले हुनर का इस्तेमाल करना है। कहे तो सबीर शाह के स्टाइल में चलकर दिखाऊं और कहो तो आपकी ओरिजिनल आवाज़ की नकल कर डालूं। अंतिम वाक्य मैंने उसी की आवाज़ में बोला था। मेरे हुनर को देखकर विकास महोदय ऐसे दंग रह गए कि काफ़ी देर मुँह से कोई आवाज़ ही ना निकाल सके। तब मैंने कहा, क्या सोचने लगे विकास जी, लेकिन इस तरह तुम नुसरत तुगलक के चंगुल में फंस जाओगे। मैं आप तो हूँ नहीं जिसे उन्हें शिद्दत से तलाश है, मेरा क्या आचार डालेंगे? हकीकत पता लगने पर झलाए हुए वे तुम्हें जान से भी तो मार सकते हैं। ऐसा हो जाए तो धन्य समझूंगा खुद को। क्या मतलब? विकास जैसा शख्स भी हकला गया। मर तो आज से 10 साल पहले ही चुका था मैं। मैंने हकीकत कही। वे तो मास्टर ही थे जो फांसी के फंदे से बचा लाए। उनकी दी हुई जिंदगी 10 साल जी लिया और इससे जिया, ये काम है। अब अगर उनकी खातिर उनके हुक्म पर जान भी चली जाए तो इससे ज़्यादा खुश नसीबी की और क्या बात हो सकती है? आपको इस बारे में फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मुझे नहीं लगता वो मेरी जान लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे उनका कोई मतलब तो हल होने वाला नहीं। आप तो बस एक कल्पना कीजिए कि आपके चेहरे के बाद मेरा असली चेहरा देखकर उनकी क्या हालत होगी। इतना कहकर अशोक पांडे चुप हो गया। ये सारी कहानी सुनने के बाद नुसरत और तुगलक जहाँ खड़े थे स्टैचू के मानिंद वहीं के वहीं खड़े रह गए। आंखें पथरा गई थी, पलके तक झपकना भूल गए थे। बिल्कुल यही ऐसा ही कल्पना की थी मैंने और विकास ने कि सारी सच्चाई जानने के बाद आप लोगों के चेहरे की हालत और रंगत ऐसी ही होने वाली है। अशोक पांडे कहता चला गया, हम उसी समय समझ गए थे हकीकत जानने के बाद तुम्हारे दिमाग जाम हो जाएंगे, सोचने समझने की शक्ति रखने वाली नसें हड़ताल कर देंगी, न तुम पर कुछ कहते बन पड़ेगा और ना ही कुछ करते। वो जीप तालू से जात चिपकेगी जिससे तुम ही देर पहले अपनी कामयाबी की डिंगे मारी होंगी। यही सब कल्पनाएं करके टॉयलेट ही में विकास ने मेरा प्रस्ताव मान लिया। वे मैं बन गए और मैं हुए। वो मेरी सीट पर जाकर आराम से सो गए और मैंने संभाल लिया उनका मोर्चा। तो साहिबान, ये है उस अदला बदली की कहानी जिसकी वजह से मैं समझ सकता हूँ कि आपके दिल दिमाग पर कितनी ज़बरदस्त बिजली गिरी होगी। अब डर है केवल ये क्योंकि आप शौक से ना मर जाए, हार्ट फेली ना हो जाए तुम्हारा। इसलिए गुजारिश है खुद को संभाले, जिस्म को हरकत में लाए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का प्रदर्शन करें। ये तो खेल है, हार जीत तो लगी रहती है,
लाइफ में ऐसा अक्सर हो जाता है कि जब हमें जीत के लिए मैच की आखिरी बॉल पर एक रन बनाना होता है और हम छक्का मार देते हैं लेकिन बाउंड्री पर लपक लिए जाते हैं। नुसरत बोला, बाउंड्री पर ही लपके गए हैं हम। गलत। जबरदस्त शौक से उभरते हुए तुगलक अपनी सदाबहार टोन पर लौटता हुआ बोला, सरासर गलत है ये बात। साला क्रिकेट भी कोई खेल है, इसे तो बस मीडिया ने सिर पर चढ़ा रखा है। खेल तो शतरंज है, उसकी तुलना शतरंज से की जानी चाहिए। यूँ कहकर कि जो चाल हमने छटंकी को मात देने के लिए चली थी, पठे ने उसी चाल से हमें पटखनी खिला दी। नुसरत बहन, जरा शुरू से सोचो इस खेल पर। छटंकी ने वो सोचते हुए पाकिस्तान पहुंचने के लिए विमान अपहरण की योजना बनाई कि योजना वो बना रहा है मगर असल में कर रहा था जो हम कर रहे थे। उसके बाद हम जो यहाँ ये सोचकर मुंह धोए बैठे थे कि विकास नाम के राजा जी आएंगे और हम उनकी बारात निकाल देंगे, तो नहले पर दहला ये हुआ कि आए ये सज्जन है। तुगलक बोला, इसे नहले पर दहला नहीं, दहले पर इक्का कह दे, क्योंकि नहले पर दहला तो हम ही पटक चुके थे। इक्का भी हुक्म का, नुसरत ने कहा, और ये इक्का लगा है इन साहिबान की वजह से, पर मारा है धीवट ने। धीवट ये इक्का इसलिए मार सका क्योंकि उसे बहुत सारी बल्कि सारी ही जानकारियाँ थी। धीवट के बारे में सोचने से अब कुछ नहीं होगा तुगलक बहन, नुसरत ने कहा। रिजल्ट तो अब वो निकल कर आया है कि छटंकी ये नहीं बल्कि वो है जो इस वक्त यहाँ घूम रहा होगा। सारे काम छोड़कर अगर हम उसे दबोचने की कार्रवाई शुरू करें तो हमारी सेहत के लिए ठीक होगा, नतीजा उसका भी कोई नहीं निकलेगा, अशोक पांडे ने कहा। वजह? तुगलक ने सम्मानित स्वर में पूछा, आपके द्वारा पेश की गई गारंटी की वजह? क्या तुम विकास को इतना बेवकूफ़ समझते हो कि एक रात गुजर जाने के बावजूद तुम्हारे हाथ आ जाएगा? बिल्कुल नहीं, इतना बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं है, फिर भी सिचुएशन तो मालूम करनी ही पड़ेगी। कहने के साथ तुगलक ने जेब से मोबाइल निकालकर एक नंबर रिंग किया। संबंध स्थापित होने पर बोला, अपहरित विमान के यात्रियों को कहाँ रखा गया है? होटल हयात में बताया गया। उन्हें बावत प्रोग्राम क्या है? 3 बजे एक विशेष फ्लाइट से न्यूयॉर्क भेजे जाएंगे। यात्री पूरे हैं? वहीं सर, वहीं जो लफड़ा पड़ा हुआ है, एक यात्री गायब है, कल रात ही से हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यात्री इंडिया का है, हमारे लिए उसकी गुमशुदगी का जवाब देना भारी पड़ जाएगा। अशोक पांडे है ना उसका नाम? जी हाँ बिल्कुल यही नाम है। मगर आपको कैसे पता? क्या आप उसके बारे में कुछ पता? संबंध विच्छेद कर दिया उसने, बोला, जिसका डर था वे दर्दी वही बात हो गई। अशोक पांडे मुस्कुरा रहा था, कामयाबी भरी मुस्कान। नुसरत ने उसी की तरफ इशारा करके तुगलक से पूछा, क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? मेरे ख्याल से तो मार ही दिया जाए, मगर मैं अकेला नहीं मरूंगा, अशोक पांडे ने कहा। तुगलक ने पूछा, क्यों? रिश्तेदारों को साथ लेकर मरने का इरादा है क्या? तुम्हें साथ लेकर, कहने के साथ अशोक पांडे ने एक झटके से अपनी शर्ट फाट डाली और पेट पर नज़र पड़ते ही छक्के छूट गए नुसरत और तुगलक के। वो वहाँ एक बेल्ट बंधी हुई थी, चौड़े पट्टे की पारदर्शी बेल्ट। बेल्ट के अंदर गिजबिजाता RDX साफ चमक रहा था और चमक रहा था लाल रंग का ओ बटन, जिसके दबते ही वे जानते थे कि आसपास उनके लोथड़े चिथड़े बिखर जाएंगे। नहीं, आखिर तुम ही लोगों ने इसके इस्तेमाल से सबसे पहले हिंदुस्तान के एक बेटे को भारत माँ की गोद में टुकड़े टुकड़े करके बिखेर दिया था। ये वही RDX है नमूनों, जिसका कारोबार आजकल तुम्हारा पसंदीदा सगल बना हुआ है। इस कमरे से अब तुम निकल नहीं सकते, मैं इस बदन बटन को दबाऊंगा और ये पूरा कमरा, शायद बगल वाला कमरा भी मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगा। मलबे की उस ढेर में दबे पड़े होंगे मेरे और तुम्हारे जिस्मों के अंग। मेरा दावा है तुम्हारे लोग मेरे और तुम्हारे अंगों में फर्क नहीं कर पाएंगे। नुसरत बहन, कहते वक्त तुगलक की नज़रें अशोक पांडे पर टिकी थी। हाँ तुगलक भैया, ये पट्ठा तो पूरी तैयारी से आया है, मुझे नहीं लगता ऐसा। अबे, अब भी नहीं लगता, देख नहीं रहा तैयारी? मेरे ख्याल से तो ये भैरवी दे रहा है या ये खतरनाक किस्म का कोई मजाक कर रहा है। इतना अच्छा ख्याल है तेरा, सोचने वाली बात ये है ये सब करके भला इसे जरूरत ही क्या है। बात तो ठीक है यार, कहने के बाद वो अशोक पांडे की तरफ घूमा, सीधा उसी से बोला, क्यों भैया तुम ऐसा
करोगे क्यों? मरना ही है तो? किस चिट्ठी वाले ने कहा कि तुम्हें मरना है? उसकी बात पूरी होने से पहले ही तुगलक ने लपक कर कहा। अशोक पांडे ने नुसरत की तरफ इशारा किया। उसने कहा, गया है साला एक नंबर का बेवकूफ। इनके बाप दादे परदादे भी साले इनकी से ही बच्चे थे, तभी तो सब बेमौत मारे गए। मरे तुम्हारे दुश्मन, भला तुम्हें क्यों मारेंगे हम? किया ही क्या है तुमने? तुम तो पूरी तरह बेगुनाह हो, इनोसेंट बच्चे हो, भोले भाले मासूम से बच्चे। धीवट के हुक्म का क्या? क्या तुम सचमुच मजाक कर रहे हो? इसका जवाब मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ, कहने के साथ उसने हाथ बटन की ओर बढ़ाया। नहीं, तुगलक बेटे की लाश देकर चीखने वाली माँ की तरह चीख पड़ा। जबकि दबा हिम्मत है तो दबा बटन। उसके ठीक विपरीत उछलकर नुसरत अशोक पांडे के सामने आया। अबे पीछे हट यार तू, कहने के साथ तुगलक ने नुसरत को धक्का देकर पीछे हटा दिया और खुद आगे आ गया। इस बहाने वो उससे कुछ और आगे तक आ गया था जहाँ से नुसरत को धकेला था, और इस बार धक्का दिया। तूने धक्का दिया मुझे, कहने के साथ नुसरत ने तुगलक पर जम भीज लगा दी। तुगलक मुंह के बल अशोक पांडे के पैरों में जा गिरा। पांडे पीछे हट गया। पालन भर किया है और गुरु के हुक्म का पालन करूंगा, गुनाह नहीं है ये, नुसरत ने फर्श पर पड़े तुगलक पर जंप लगाई। बल्कि ये तो धर्म है प्रत्येक व्यक्ति का कि अपने गुरु का फर्ज पूरा करे। तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। गुरु बहरहाल गुरु होता है, खुदा के बाद वही तो है उसके हुक्म का पालन। वो वही, नुसरत बोला, ठीक वही हो गया जो चाहता था। क्या मतलब? तुगलक ने उसकी आँख निकाली। अबे समझ बात को, वो तुझे डराने की कोशिश कर रहा है और तू डर रहा है। तू नहीं डर रहा क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? तू क्यों नहीं डर रहा है? क्योंकि खोपड़ी है मेरे पास, दिमाग है खोपड़ी में, तेरी तरह नारियल टांग कर नहीं चलता घाटा पर। मतलब उसने बटन दबाया तो खुद भी मर जाएगा, और मरना इतना आसान नहीं है। सुना नहीं तूने? उसने कहा वो मरने के लिए तैयार है। कहने और करने में बहुत फर्क होता है मियाँ, जब सचमुच मरने की बात आती है तो नानी मर जाती है। क्यों भैया? तुगलक ने अशोक पांडे से पूछा। ये ठीक कह रहा है, तुगलक पांडे की तरफ करवट लेकर बड़ी खूबसूरती से खुद को बचा गया। नुसरत मुंह के बल फर्श पर जा गिरा। उसके बाद बाकायदा फाइटिंग शुरू हो गई उन दोनों में, कभी नुसरत हावी तो कभी तुगलक हावी, और अशोक पांडे उनकी फाइटिंग का मजा ले रहा था। बेचारा अशोक पांडे, ये ठीक है कि वो अल्फांसे का वफादार चेला था, उसके आदेश पर सचमुच अपने साथ नुसरत तुगलक को मार डालने की पूरी तैयारी से यहाँ आया था, मगर नुसरत की फितरत से वो वाकिफ था बेचारा। उसे तो यही लगा कि एक तो मौत से बहुत डर गया है, दूसरा उसके कदम को खोखली धमकी समझ रहा है। मौत के खौफ ने तुगलक को नुसरत से भिड़ा दिया है। उसे मालूम था बटन तो वो जिस चंचाए दबा सकेगा, फिर क्यों न कुछ देर उनकी भिडंत का ही मजा लिया जाए। जो हुआ वो वैसा होगा और वैसा ही करने के लिए आपस में भिड़े हैं, ये बात तो वो सोच तक नहीं सकता था। और दुख ये कि एक बार नुसरत पर झपटा हुआ तुगलक जाने कैसे उसकी पीठ पर आ गिरा। दिमाग में खतरा शब्द घुसते ही उसने हाथ बटन की तरफ बढ़ाया, मगर वहाँ तक पहुँच नहीं सकी, और अब बहुत देर हो चुकी थी। नुसरत तुगलक की चाल समझने में उसने बहुत देर कर दी थी। दोनों हाथ ऊपर उठते चले गए थे, कारण तुगलक ने अपने दोनों हाथ पीछे से उसकी बगल में डालकर गुद्दी पर जमा चुका था। उस वक्त पांडे उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए मचल ही चुका था और खुद को भी। अरे, स्क्रीन पर चौंकता हुआ तुगलक साफ नजर आया। ये क्या है? नुसरत ने उसकी नज़रों का पीछा किया। वो बेहोश पड़े अशोक पांडे के कोट के एक बटन को घूर रहा था। बोला, बटन है मियाँ? नहीं, ये बटन नहीं है, बल्कि तेरी आंखें बटन बन गई है, रहा था जब तुगलक चीखा। जल्दी कर जामुन के औलाद, और क्या है, वरना ये हमारे पुर्जे बिखेर देगा। नुसरत ने झपट कर कराट का वार पांडे की कनपट्टी पर किया। वही हुआ जिसके लिए वो वार किया गया था, अर्थात पांडे की आंखों के सामने रंग बिरंगे तारे नाच उठे। फिर वो बेहोश हो गया। आराम से नुसरत ने कहा, एकदम से मत छोड़ देना, साला फर्श पर भी गिरा तो आरडीएक्स फट जाएगा।
इस बात को तुगलक भी समझता था, तभी तो उसने अशोक पांडे को पीठ के बल इस तरह फर्श पर लिटाया जैसे कांच के बने किसी कीमती पुतले को लिटा रहा हो। जब ये काम कर चुका तो मुंह से निकला, शुक्र है खुदा का, इस साले धीवट ने तो मौत का गोला ही भेज दिया था हमारे पास। आदरणीय श्रोता, तो ये थी हमारी आज की उपन्यास की 7वीं एपिसोड स्टोरी विथ अरुण पर। अभी आप लोग सुन रहे थे वेद प्रकाश शर्मा की लिखी विजय विकास सीरीज की सस्पेंस थ्रिलर और क्राइम फिक्शन उपन्यास पाक साफ। इसी नॉवेल की ये 7वीं एपिसोड थी। इस उपन्यास की आगे की कथानक इसके 8वें एपिसोड में आप लोग सुनेंगे, जिसे लेकर आऊँगा मैं अरुण गिरी कल की श्रृंखला में। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उपन्यास की कथानक और हमारी प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लगी। साथ ही साथ, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल के मेंबरशिप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग इस चैनल के मेंबरशिप ग्रुप को भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेंबरशिप ग्रुप पर हर एक दिन एक से बढ़कर एक कई सारे सस्पेंस थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री उपन्यास को आप लोग सुन सकेंगे सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप ग्रुप को ज्वाइन करके। तो एक बार उसे भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हमारी अगली मुलाकात होगी कल इसी नॉवेल के 8वें एपिसोड में। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। आज के एपिसोड से दीजिए अपने प्रिय आरजे अरुण गिरी को भी इजाज़त। नमस्कार।